224 सीटों के लिए वोटिंग जारी है और वोटिंग के लिए मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारों में लगे हुए हैं, जहां महिला पुरुष और युवाओं में खासा उत्साह है। ये शाम 6 बजे तक यही तस्वीर आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि 4 लाख मतदान कर्मी ड्यूटी में लगे हुए हैं और इस चुनावी कैंपेन में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और कमीशन पर फोकस रखा, तो वहीं बीजेपी ने बजरंगबली, बजरंग दल, आतंकवाद का मुद्दा उठाया। मोदी ने 19 में से 12 विधानसभाओं में बजरंगबली का जिक्र किया। सभी पार्टियों ने मतदान की अपील की है। आपको बता दें कि 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। तमाम पार्टियों ने आम जनता से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। पीएम मोदी, अमित शाह, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कर्नाटक के लोगों को प्रगतिशील, पारदर्शी और कल्याणकारी सरकार को चुनना होगा। आज बड़ी संख्या में मतदान का समय है, बेहतर भविष्य के लिए लोकतांत्रिक प्रोसेस में आज भाग जरूर लें और मतदान का इस्तेमाल करें। महिला वोटर्स और युवा वोटर्स, जिन पर सभी पार्टियों का सबसे ज्यादा फोकस रहा, बीजेपी ने अपने तमाम स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतारा, आम जनता से वोट की अपील की। और वहीं कांग्रेस ने न सिर्फ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, बल्कि स्टार प्रचारक सोनिया गांधी को भी चुनावी मैदान में उतारा। तो ऐसे में तमाम पार्टियों ने आम जनता से घोषणा पत्र के जरिए खूब वादे किए, जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। और देखने वाली बात होगी कि आम जनता किसे चुनती है, कमल खिलेगा या पंजे को साथ मिलेगा, ये वक्त बताएगा। और ऐसे में तमाम पार्टियों के दिलों की धड़कन भी तेज होगी, क्योंकि आज मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब निर्मला सीतारमण वहां पहुंची और निर्मला सीतारमण ने परिवार के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और साथ ही कहा कि जीतेगी तो बीजेपी। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ ये बात कही कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। तो सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम राजनीतिक दल आज वोट की अपील आम जनता से कर रहे हैं। 2018 के चुनाव के बाद कर्नाटक में सत्ता के लिए माथापच्ची हुई। अब देखना होगा कि इस बार भी यदि किसी एक पार्टी को बहुमत मिलता है तो क्या सियासी जोड़ तोड़ एक बार फिर से देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि अभिनेता प्रकाश राज भी पहुंचे, जिन्होंने वोट किया और साथ ही कहा कि सांप्रदायिक राजनीति के लिए वोट करना बेहद जरूरी है। चुनाव को जगह है जहां आपके पास एक अधिकार होता है। आज ही हमारे पास वो अधिकार है जब हम चुन सकते हैं अपनी सरकार। हमें कर्नाटक को बहुत सुंदर बनाना है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर सौहार्द बना रहे और इसीलिए वोट करें। तमाम राजनीतिक दलों ने भी आम जनता से वोट की अपील की। तो कर्नाटक का चुनाव और अब 2024 में क्या तस्वीर होगी, ये भी तय करेगा ये चुनाव। और इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन देखने वाली बात यह भी होगी कि आखिर कर्नाटक के रण में जीत के साथ साथ किंग मेकर कौन बनेगा।